सांस्कृतिक विरासत उस विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। लगातार 30-32 वर्षों से राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में मैं शहर में कहीं ना कहीं सक्रिय रहा हूँ, शहर की जनता के बीच में रहा हूँ और शहर की जनता के दुख सुख में हमेशा मैं उनके साथ खड़ा रहा हूँ। तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का जो मंशा है, सपना है, आदरणीय ताई जी ने पिछले वर्षों और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पिछले वर्षों लगातार विकास के काम हुए हैं। जो इंदौर में अगर 5-6 साल बाद कोई इंदौर में आता है तो उसको लगता है इंदौर बदला हुआ इंदौर है। हमारे नगरियों में लगातार परिषदें रही, आदरणीय कैलाशी जी, मोगे जी, उमाशी शर्मा जी, अभी माननीय गौड़ जी, और प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारी आदरणीय ताई जी, सबने मिलकर इस शहर के विकास के लिए बहुत काम किए। एक नया इंदौर हमने सामने देखने को मिला है। हर क्षेत्र में विकास हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है। अगर सड़कों की बात करें तो नई सड़कें बनी है, शहर की सड़कें बनी है, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी हुई है, नेशनल हाईवे बने हैं, स्टेट हाईवे बने हैं, रेलवे की कनेक्टिविटी करें 100 से ज़्यादा ट्रेनें जो पूर्व में 15-17 चलती थी अब वो 100 से ज़्यादा ट्रेनें चल रही हैं। फ्लाइट की कनेक्टिविटी अगर हम देखें तो 100 से ज़्यादा फ्लाइटें हो गई। अब जेट की, चूँकि जेट बंद हो गई तो कनेक्टिविटी तो उसकी फ्लाइट कम हो गई, लेकिन 100 से ज़्यादा फ्लाइटें इंदौर में पहुँच चुकी थी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तैयारी पूरी हो ही गई है। और बाकी उसकी जो पूरी तैयारी कस्टम की जो इमिग्रेशन की है वो क्लियरेंस हो गया है, कभी भी इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ से चल सकती है। तो जहाँ तक कनेक्टिविटी हो, रोड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हॉस्पिटल हो, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की बिल्डिंग लगभग बन के तैयार हो गई है। और जहाँ तक खेलकूद हो, खेलकूद में इंदौर विकास प्राधिकरण ने भी इंडोर स्टेडियम एक बना दिया, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनने जा रहा है। कल्चर की बात करें तो एक देवलाली कलावेदि का हमने रिन्वेस्ट करा ही था, उसके साथ साथ हमने जो मराठी संकुल है, मल्टी कल्चरल सेंटर, उसका निर्माण भी प्रारंभ किया है। राजेंद्र में ऑडिटोरियम बन के तैयार हो गया, उसका इंटीरियर रिकॉर्डिंग का काम तेजी से चल रहा है। इसकी नंबर 140 में हमने मल्टी कल्चरल सेंटर की जो योजना बनाई थी, लेकिन किसी कारणवश हाईकोर्ट की जो बिल्डिंग वहाँ आ रही है तो हाईकोर्ट को वो जमीन शासन ने दी थी, तो उसके कारण उसका जो जगह है नई जगह तय कर ली गई थी और उसकी नए स्थान पर मल्टी कल्चरल सेंटर भी बन रहा है। तो कला हो, संस्कृति हो, खेलकूद हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, ट्रैक कनेक्टिविटी हो, हॉस्पिटल हो, खेलकूद, सब क्षेत्र में विकास के काम हुए। पर ताई जी के जो काम है उसको आगे बढ़ाते हुए, पर कुछ काम अभी और हैं जो हमको इंदौर में करना है। सफाई में हमारा नंबर वन है, पर एक इंडेक्स है, लिविंग इंडेक्स, जिसमें लगभग 20 पैरामीटर आते हैं, उस पैरामीटर में हम 7वें या 8वें नंबर पर हैं। तो हम चाहते हैं, मेरा एक पहला जो सपना है कि इंदौर को सफाई में जिस प्रकार नंबर वन पे लाए हैं, हम लिविंग स्टैंडर्ड में भी इंदौर पहले 3 में आए, ऐसा प्रयास। उसमें जो पैरामीटर हमसे छूट गए हैं या जो हम पीछे हैं उसमें हम लाएंगे। दूसरा, ट्रैफिक की समस्या इंदौर में, ये बात सही है, हमने सड़कें बहुत चौड़ी करी, लेकिन बना तो एक पुल, वो भी माननीय संजय दुबे साहब की अध्यक्षता में, और डीपीआर के कि हमने कर दिया, डीपीआर हमने भेज दी, पैसा तो नहीं लाए ना, 350 करोड़ रुपए तो माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा साहब खुद गए और आदरणीय गडकरी साहब से वो रुपया लेके आए, और वो रुपया जब खुद गए तो खुद का मंत्री ही बनाएगा ना, उनका मंत्रिमंडल जहाँ है पीडब्ल्यूडी वही काम करेगा ना, कोई आवास पर्यावरण तो नहीं काम करेगा। लेकिन भी बोलना कि मुख्यमंत्री जी के खास है, इसके खास है, दोनों ही खास है मुख्यमंत्री जी के, इसलिए हमारे यहाँ कोई झगड़े नहीं है, इसलिए इनको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज वो 350 करोड़ रुपए आ गए हैं, वो जल्दी से एलिवेटर ब्रिज बनेगा, ऐसा हमारा आपसे कहना है। अब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले हमने कुछ हमारे वचन पत्र में कहा था, आज हमने 164 कॉलोनियां भेद कर दी, 15 साल में इनसे कोई कॉलोनियां भेद नहीं हुई, लेकिन आज 164 कॉलोनियां हमने भेद की, बाकी की कॉलोनियां भी हम भेद कराएंगे और जो बची हुई कॉलोनियां हैं इसको हम भेद करने का प्रयास करेंगे। आज इनके समय
आईडीए में 3.5 साल के रहे, इनके लोग परेशान होते रहे कि कुछ जमीनें स्कीमों में आ गई, उसको छोड़ दिया जाए। इन्होंने कोई छोड़ने का प्रयास नहीं करा। मैं आपको वचन देता हूं यहां पर कि किसानों की जो जमीन है, या तो उसको नए भूमि अधिनियम के अनुसार पैसा मिलेगा, या वो जमीनें छोड़ दी जाएगी, या उसको छोड़ा दी जाएगी, वापस किसानों को दे दी जाएगी। इस तरह से किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। आज कुछ फाइल सरकार की तरफ भेज दी गई है कि इसको अधिग्रहण कर ली जाए, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं होगा। बनने के बाद वो वापस, या तो उसको भूमि नए भूमि अधिनियम के अनुसार पैसा मिलेगा 4 गुना, या उन्हें वो जमीन वापस मिल जाएगी, ऐसा प्रयास कर जाएगा। आज कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम वृद्धा पेंशन या अन्य पेंशन है 1000 रुपये कर देंगे, लेकिन हमने अभी 600 रुपये कर दिए, और हम किसानों का पूरा ऋण माफ करने के बाद 4 महीने में वृद्धा पेंशन 1000 रुपये कर देंगे। जो हमारा प्रॉमिस है उसको निभा देंगे हम लोग। इसलिए कि अभी हमको किसानों का 28 लाख से ज़्यादा किसानों का अभी ऋण माफ हो करना है, और ये हमने 12 तारीख से अभी आपको दिख जाएगा 4 दिन में कि 12 तारीख से हम लोग किसानों का ऋण माफ़ करने लग जाएंगे, जहाँ जहाँ चुनाव हो गए। पर आज माननीय शिवराज जी साहब के घर जाकर हमारे नेताओं ने 21 लाख किसानों की लिस्ट उनको सुपुर्द कर दी है आज कि ये हमने माफ़ कर दिया, इसकी जाँच करा लो। जब कहते हैं कि बाद में माफ़ नहीं होंगे, लेकिन हमारी सरकार इसी 12 तारीख से जब मैं आज फिर माफ़ करने लग जाएगी, और पूरे देश में दिखेगा कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस के नेताओं ने जो कहा था, हमारे आदरणीय नेता राहुल जी ने जो कहा था कि किसानों का ऋण माफ़ कर देंगे, जो हमने 21 लाख किसानों का ऋण माफ़ कर दिया है, बाकी के किसानों का ऋण भी माफ़ होगा, यह आपको 12 तारीख से दिखने लगेगा। हमने आगे घोषणा की है, यानी मैंने वचन निभाया है कि 6000 रुपये महीना, साल में 12000 रुपये हम महिलाओं को रोजगार गारंटी के अनुसार अपने न्याय के उसमें देंगे, और ये रुपया भी अगर हमारी सरकार मिलेगी तो हम महिलाओं को 6000 रुपये महीना और 72000 रुपये साल देंगे। हमने जो भी वादे किए थे उसको पूरा किया, लेकिन आज ये व्यापारी की पार्टी कहलाती थी, लेकिन व्यापारी इनके नाम पर भयमान भयमान हो गया पूरे देश का। इन्होंने GST जिस तरह से लागू करी इस देश में, कांग्रेस पार्टी जब लागू कर रही थी तो इन्होंने विरोध किया कि GST लगना नहीं चाहिए, और जब इन्हें लगाई तो 28% GST तक लगा दी इन्होंने। कांग्रेस पार्टी 18% GST से ऊपर नहीं जाती थी, लेकिन इन्होंने उसके बाद 200 संशोधन से ऊपर कर दिए, लेकिन फिर भी ढंग से नहीं हो पाया काम इनका। हमारा निवेदन है कि GST को सरलीकरण किया जाए, और सरलीकरण करने के बाद जो 28% का स्लैब है उसको 18% पे लाया जाएगा, और जो 18% का स्लैब है उसमें से कुछ चीजें 12% पे लाई जाएगी, और जो 12% का स्लैब है उसको हम 6% पे 4% पे जो भी लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसको GST का सरलीकरण भी हम करेंगे। आज इन लोगों ने जिस तरह से समुचित देश में GST को जिस तरह से लागू किया, जिस तरह से नोटबंदी लागू करी, वो बिल्कुल ही गलत तरीके से लागू करी है, और जिसको ठीक करना हमारा कर्तव्य है, हमारा उस तरफ ध्यान रहेगा। आज बहुत आगे बढ़ चुका है। आज माननीय अर्जुन सिंह जी ने इंदौर में, पूरे देश में दो एक ही शहर ऐसा है जिसमें IIT और IIM दोनों है, कहीं भी नहीं, और माननीय अर्जुन सिंह जी ये दे चुके हैं, ये उनकी देन है कि इंदौर में दोनों सिंह जी के। आज स्वर्गीय इंदिरा जी और स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी की ही देन है कि आज इंदौर में केस है। ऐसी इनकी कोई उपलब्धि नहीं है भारतीय जनता पार्टी की कि आज इंदौर में ऐसा कुछ इन लोगों ने दिया हो या इस तरह का कोई काम किया। आज जो भी है नर्मदा है इंदौर में लाए, तो माननीय श्यामाचरण जी और शेट्टी जी के समय नर्मदा जी आई। इस तरह का कोई काम इन्होंने, ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं करी, लेकिन इनका कहना है कि हम लोक संस्कृति और वो ये सब काम तो होते रहेंगे, लेकिन पहले जनता के काम बहुत जरूरी है, और मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि जो भी ब्रिज और अन्य चीज बनानी है वो हमारे कार्यकाल में, अभी आचार संहिता लगने के कारण उसका पैसा आने के बाद नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द उसको चालू कर दिया जाएगा, और माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा साहब चुनाव 25 तारीख बाद उसके टेंडर बुला लेंगे, और उसके बाद उसको सुचारू रूप से काम हो जाएगा। आज हम लोग कि हम 100 दिन की गारंटेड योजना देंगे, और उनको 4000 रुपया हर महीने मिलेगा, ऐसी व्यवस्था करने का कांग्रेस पार्टी ने वचन दिया है, और उसका पालन हमारी सरकार बनने पर किया जाएगा। भाई आप इंदौर नगर निगम से आपके राजनीतिक सफर की शुरुआत है, बहुत ही पीड़ा की बात है कि नगर निगम इंदौर जो है वर्षों से 30 दिन का जलकर लेता है और पानी 15 दिन देता है,
कई बार नर्मदा का तीसरा चरण, उसके बाद पानी की टंकियों का निर्माण, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर नगर निगम में कहाँ कोई लूपहोल है, या आखिर इस शहर की जनता को आपके चुनने के बाद, यदि आपको लगता है कि आप चुनाव जीत रहे हैं, तो उसके बाद यदि कितने समय में रोज पानी शहर को मिलने लग जाएगा। दूसरा, पंकज सिंह जी से ये पूछना था मेरा कि आप पत्रिका बहुत दिखाते हो, पंडित जी हो, अभी तक 1000-1500 को दिखा चुके होंगे, मेरा कहना है कि इस बार का चुनाव आपने पंडित जी को पत्रिका दिखाई लड़ा कि नहीं? आंदोलन हुआ करते थे, लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, हत्याएं होती थी, वो किसी हद तक कम हुआ है, पर मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि 100% पानी समस्या हुई समस्या है। लगभग 15 अभी उन्होंने अपने वक्तव्य में ये कहा कि पानी की समस्या के निदान के लिए हम टंकियाँ बनाएंगे, लेकिन मैं जानकारी भी देता हूँ इंदौर नगर निगम अभी 15 टंकियों का निर्माण कार्य चालू है, क्योंकि पंकज भाई नगर निगम में सक्रिय राजनीति में नहीं रहते हैं, तो उनकी जानकारी में नहीं होगा, तो 15 टंकियों के निर्माण कार्य चालू है। अमृत योजना के अंतर्गत पाइप लाइन डल रही है, ड्रेन लाइन डल रही है, तो मुझे लगता है आने वाले एक साल में हम लगभग जो अपना बाईपास है वहाँ की कॉलोनियों को भी और शहर में जहाँ जहाँ समस्या है उन समस्याओं को निदान करने के लिए लगभग 90% पानी की समस्या शहर में नियमित हो जाएगा। बाकी 15 दिन का पानी और 30 दिन का भुगतान, देखिए वो भुगतान 30 दिन का नहीं है, उसके ऊपर है, बिल के ऊपर। और आपको बता दूं कि जो हमको एडीबी से लोन मिला था और बाकी जो मिला था उसी के अंदर उसमें तो और उनको रेट ज्यादा बढ़ा है। मैं 15 साल से मैं रोज यही खबर चाहता हूँ कि पानी इंदौर को भरपूर मेरा निवेदन ये है कि आप चुनाव लड़ रहे हो तो आप कोई गारंटी देने की स्थिति में हो। मैं ये कहूँगा कि पानी की समस्या का निदान करने के लिए केंद्र सरकार से जो भी बन पड़ेगा बिल्कुल करूंगा और शहर में पानी की समस्या मुक्त होने के प्रयास करूंगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।